रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच देखा जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर अब खेलने की कोशिश कर रही है। दरअसल अभी तक अयोध्या का मसला चल रहा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने काशी को लेकर जो बयान दिया है, उनका कहना है कि अब काशी में बदलाव होगा, तो इससे और ज्यादा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। यानी कि अयोध्या का मुद्दा चला गया, अब काशी का मुद्दा उठाते नजर आ रहे। तो यहाँ पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने से जो फायदा बीजेपी को होगा वो जनता का नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को आज विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और बहुत बड़े हद तक ये तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी इस तरह के कदम उठाएगी। लेकिन यहां पर ये देखा जाए कि फिलहाल बीजेपी इस तरह के कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठा रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि आखिरकार उनके साथ कौन जुड़ा है और कौन है जो उनके मुद्दों को उठाता नजर आ रहा है। तो यहां पर बहुत बड़े हद तक चीजों में बदलाव होता नजर आ रहा है। अगर बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया, तो यह तय करना है उत्तर प्रदेश की जनता को, क्या इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उन्हें फंसना है या फिर अपने भविष्य के बारे में देखते हुए कांग्रेस को एक मौका देना है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।